मसला क्या है इधर आप लोगों के पास इतना पानी हो गया है, कोई स्टूडेंट नुमाइंदा या कोई वगैरह आया आप लोगों के पास भाई आप लोगों को राशन देंगे या टेंट देंगे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इतना घरों में पानी है, पानी घर में बहुत है और निकलने के लिए जगह नहीं है। कुछ दिन पहले नवीद देरो साहब आया था यहाँ। अच्छा, हाँ जी, ये हमारी यूनियन जो है दरेड़ी है। अच्छा, पहले दरेड़ी थी, अब ये कानन बन गई है। कानन थी किसके कोर्ट पे ये मशहूर है? ये आचर शहर। आचर शहर, हाँ जी, आचर शहर। वो दो तीन विलेज हैं हमारे, दो तीन विलेज हैं। हाँ जी, वो लोकसर भी है, वो वहाँ है, वहाँ भी पानी बहुत है। अच्छा, और ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ, मतलब यहाँ पे कितना एरिया होगा जहाँ इतना पानी हो सके? तो 7-8 विलेज हो जाएंगे। अच्छा, 7-8 विलेज हो जाएंगे यहाँ, सारे विलेज में पानी है और कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले नवी सर साहब आया था, उसने बोला आपकी खिदमत करेंगे, टेंट वगैरह देंगे, राशन देंगे, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अभी तक नहीं मिला, बोला ये देख ये रास्ता है हमारा, ये देख कैमरा में, इधर देखे, इधर देखे, ये रास्ता है हमारा कि थोड़ा सा इस साइड पे घुमाएगा। ये पूरा पानी पानी है, घर है, ये इनों के घर में नए हुए हैं, कोई इन्हों को पूछने नहीं आया। डेरो साहब बोलते हैं कि आया हुआ है हम लोगों के पास, उसके वगैरह कोई भी नहीं आया उनके पास। और चांडिया भी आया था, ये माशुक चांडिया भी आया था। अच्छा, माशुक चांडिया भी आया था। उसके बाद कितने दिन हो गए उसको आए हुए? माशुक चांडिया दो तीन दिन हुए आया था। अच्छा, उसके बाद आया था, पहले नहीं आया। 4 दिन हुए उसको, जहाँ 5 दिन हुए, दो तीन दिन हुए, दो दिन तीन दिन हुए, तीन दिन हुए। हाँ, सभी बोल के गए आपकी खिदमत करेंगे, राशन देंगे, टैंट देंगे, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। आश्रय आश्रय दे रहे हैं, आश्रय आश्रय दे रहे हैं बस। नाज़रीन ये देख सकते हो कि पूरी ये बेचारे खड़े हुए हैं और पूरा पानी पानी है। मतलब जिस तरफ आप जाओगे ना, निकलने का एक तो रास्ता नहीं है पानी निकालने का, और दूसरी बात ये बेचारे घरों में बैठे हुए हैं, इनों के पाँव में भी छाले हो गए हैं। अंदर जाते हैं रोड से, नीचे जाते हैं पानी पानी में, निकलते हैं पानी में, घरों में भी पानी है। आप देख सकते हो चारों तरफ मतलब पानी पानी है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पानी नहीं है। सिर्फ रोड के अलावा पानी है, हर जगह पर पानी मौजूद है। और इनों का खुदारा कोई हुकूमत की तरफ से क्या बोलना चाहोगे? हुकूमत की तरफ से इतना ही बोल जाएंगे, जितना हो सके हमारी मदद करें। अच्छा, हाँ, सिंध हुकूमत को यही रिक्वेस्ट है हमारी, मदद करें हमारी। ठीक, खुदारा इनों की ये बोलते हैं हमारी सिंध हुकूमत को कि हमारे फसल भी तबाह हो गए, फसल जो भी तबाह हो गए, कोई ऐसा नहीं आ रहा है, बस आश्रय दे के जा रहे हैं। मतलब इनों को करने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ हम लोगों को दे के भी नहीं गए हुए। PNN न्यूज़ के साथ मोहम्मद हसन, रिपोर्टर, जिला सांगड़, जोल।